देश के कई हिस्सों में गुरुवार की सुबह सूर्य ग्रहण देखा गया। दरअसल ये इस दशक का आखिरी सूर्य ग्रहण था। बता दें कि सूर्य ग्रहण सुबह 8 बजे से शुरू होकर 10:57 तक रहा। वहीं सूर्य ग्रहण की समाप्ति पर ही हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा मंदिर समेत तमाम छोटे बड़े मंदिरों के कपाट खोले गए। वहीं सुबह को होने वाली गंगा आरती भी ग्रहण समाप्त होने पर ही शुरू की गई। ग्रहण के शुरू होने से पहले ही श्रद्धालु हर की पौड़ी पर जुटने लगे थे। वहीं हर की पौड़ी पर श्रद्धालु ग्रहण काल तक ध्यान जप तप और पूजा पाठ में लीन रहे और ग्रहण समाप्ति पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। श्रद्धालुओं का कहना है कि पुण्य कमाने के लिए ही वो ग्रहण वाले दिन हर की पौड़ी पर स्नान करने आए और स्नान करने के बाद उन्हें अत्यंत आनंद की प्राप्ति हुई। सूतक तो कल रात 8 बजे से ही लग गया था, 8 बजे से ही लग गया था और इस ग्रहण काल सुबह 8:15 से शुरू हुआ और 11 बजे खत्म हुआ। मंदिर बंद रहे कल 8 बजे से रात तक, सुबह भी मंदिर बंद रहे। अब जाके मंदिर खुले हैं, भगवान को स्नान करा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब उनका जो है आरती हो, 11:30 बजे आरती। ग्रहण की निवृत्ति के बाद भगवान का स्नान, आरती, लोग स्नान जनेऊ बदलते हैं, सब कर्म करते हैं। मेरा नाम प्रियंका। आप यहाँ आई हैं आज हर की पैड़ी पे, ग्रहण है, क्या कहना है? बहुत ही सौभाग्य का काम है यह हमारे लिए। इस समय गंगा जी के किनारे हम लोग गंगा जल में स्नान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काम है हम लोग के लिए, बहुत सौभाग्य की बात है। लखनऊ से आया हूँ, अग्रवाल है, मैं लखनऊ से आया हूँ। गंगा माता के नहाए हैं अभी हम लोगों ने, हर साल आते हैं और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज ग्रहण के दिन आए, जिस कारण जो है बहुत अच्छे से दर्शन हुए, माता रानी के नहाए हैं। अब उसके बाद जो है मनसा देवी माता के दर्शन करेंगे, ठीक, वापस लखनऊ जाएंगे, ठीक। मेरा नाम रुचि है, मैं लखनऊ से आई हूँ। आज गंगा स्नान है तो हम लोगों ने काफ़ी सुबह से वेट किया है। 11 बजे ग्रहण उदय हुआ है तो अब हम लोग नहाने के लिए आए हैं। देख रहे हैं ना कितनी भीड़ है। माँ गंगा यहाँ पे स्नान करने के बाद तो सारे पाप ही नष्ट हो जाते हैं, तो हम लोग इसीलिए खास तौर पे आए हैं। हालांकि हम लोग ने कोई पाप वाप नहीं किया है, लेकिन तब भी खुशी मिलती है यहाँ पे आके, बड़ा सुकून। हम लोग तो 2 दिन से यहाँ पे, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी अच्छी जगह है ये। सूर्य ग्रहण को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुँचने का क्रम शुरू हो गया था। देर शाम ही यहां स्थित मंदिरों के कपाटों को बंद कर दिया गया था। वहीं ग्रहण के शुरू होते ही यहां के घाट पर लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी थी। यहां आए श्रद्धालुओं का कहना है कि इस ग्रहण के दौरान हरिद्वार आकर पूजा अर्चना करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।